मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, एमडी मेडिसिन, भूतपूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट में, जो कि एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी एट प्रेजेंट। आज मैं आपको डेंगू के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो अभी मौसमी बीमारियों में डेंगू किस तरह से फैलता है, किस वजह से, और इसके क्या क्या लक्षण हैं, और इसके बचाव के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। डेंगू एक वायरल फीवर है। ये एक तरह से वायरस जो होते हैं उससे होता है। वायरस चार तरह के होते हैं, और डेंगू जो दिन में मच्छर काटने से होता है मेनली। दिन में आप मच्छर जो होते हैं वो अपने, उसका नाम होता है टाइगर मॉस्किटो, उससे ये एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमण करता है। इसके लक्षण बहुत, जैसे फीवर सामान्य बुखारों से थोड़े से अलग हैं। इसमें बहुत तेज़ सर दर्द, इसके साथ बहुत पूरा शरीर में बदन टूटता है, जिसे को हड्डी बुखार भी हम कहते हैं। साथ में इसमें ये तीन तरह से शरीर पर प्रभाव डालता है। प्रथम इसमें डेंगू फीवर, उसमें जैसे बुखार आना, सर दर्द होना और बदन दर्द, बहुत तेज़ फीवर। सेकंड प्रकार का होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसमें मसूड़ों से जैसे खून आना, ये इस तरह से होता है, और बुखार और हेडेक तो इसमें रहेगा ही सही। तीसरा प्रकार जो होता है वो बहुत थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है, उसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें बीपी, जो बीमार व्यक्ति होता है उसका बीपी कम हो जाता है, और इसमें बचने के चांस बहुत कम होते हैं। यदि मरीज़ टाइम पर डॉक्टर से संपर्क करता है तो इसका बचाव अच्छी तरह कर सकते हैं हम। सामान्य इसके इलाज के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती हो। तो इस और इसके बचाव के लिए हमें मेनली जो घरों में पानी जो इकट्ठा रखते हैं कूलर्स में या और दूसरी जगह पर, तो उसको नहीं रखना चाहिए। टाइम टाइम पर उनको साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। और इसके उसमें जो इलाज, इसका इलाज है उसमें एक सामान्य, जैसे बुखार की जो गोली, जब भी बुखार आए जब बुखार की गोली दें और मरीज रेस्ट करे और पानी खूब पिए। तो ये तो ये कुछ हैं जो घरेलू उपाय, इनसे बचा जा सकता है बुखार से। और यदि उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो तो वो भर्ती किया जा सकता है, और भर्ती कर डॉक्टर उसके लक्षणों के आधार पर उसका इलाज कर सकता है, जो कि एक बहुत नॉर्मल वो है। लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए, ताकि वो इसे, जैसे ही पिछली बार बहुत डेंगू की डेंगू हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर आपको लगता है कि डेंगू के लक्षण या कोई भी बुखार हो, तो उसमें आप अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर हो, फिजिशियन जैसे हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे अपने सारे ट्रीटमेंट, वो उसके लक्षणों के बारे में बताएं। मैं इसमें एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जैसे डेंगू का यदि किसी का पॉजिटिव आता है तो लोगों को मन में ये सबसे प्रथम ही आता है कि प्लेटलेट्स का क्या होगा। तो ये आप लोग इस चीज़ से ना डरें कि प्लेटलेट्स और डेंगू का क्या संबंध है। डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स पर ये रोल वो करता है अटैक। तो प्लेटलेट्स जिनकी कम हो जाती है, तो जो उसमें अपन को कब तक कराना चाहिए, कब प्लेटलेट चढ़ाना चाहिए, इस चीज़ के लिए आपको बताता हूँ कि जब आपके यदि कहीं से शरीर में ब्लड या कहीं से आ रहा हो, जैसे नाक से खून आना, पेशाब की जगह से खून आना, या आपको लगता है कि, तब आपको प्लेटलेट्स उसमें उस कंडीशन में प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, सेकंड बात, यदि अगर पेशेंट के कहीं से भी ब्लड वगैरह कहीं नहीं आ रहा, तो उसके जब 10,000 अगर उसके प्लेटलेट्स काउंट रहते हैं, जब हम कराते हैं CBC में, यदि प्लेटलेट्स काउंट 10,000 आते हैं, तो आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत। जब प्लेटलेट, इसमें HDP का ज़्यादा रोल है कि आपको HDP से प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ेंगे और उसका, उसको मरीज को उसकी जो है उपचार में राहत मिलेगी। आप कई बार उसका अलग यूज़ हो जाता है कि आप तो लगा दो साहब इतने पर, हम तो ये, तो वो उस डॉक्टर को अपना काम करने दें। डॉक्टर अपने विवेक से जो भी डिसीजन लेगा वो मरीज के हित में लेगा। कभी भी कोई भी डॉक्टर आपके मरीज़ की जान को खतरे में नहीं डालेगा। बस हम, मेरा तो एक ही आप सब लोगों से यही है कि जब भी कोई बीमार पड़े, चाहे डेंगू हो या कोई सा भी बुखार हो कोई का, तो उसके लिए आपको नज़दीकी आपके किसी जो डिग्री वाले डॉक्टर हों,
उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करो आप, उसके बाद ही फिर उससे संपर्क करें। ये मेरा एक विशेष आप लोगों से, सब लोगों से अनुरोध है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई तरह के डॉक्टर्स हैं बैठे हुए हैं जो बिना डिग्री के हैं वो। इसके अलावा आप वो बस सुई लगा दो आप तो साहब, इसमें ये है वो है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी डेंगू यदि फीवर अगर किसी को प्रेजेंट है, वो उसमें पॉजिटिव आता है, तो उसके आपको कि सुई लगा दो साहब हमारा हो जाएगा, तो कभी भी एक IM इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। वो एक डॉक्टर जो एक जो शिक्षित जो डॉक्टर है जिसके पास इसका अनुभव है, उसी से आप लोग इसका उपचार कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें पानी की कमी ना आने दे शरीर में, उसी से ये बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। और आप लोग अभी जो उसे मतलब सब चीज़ों में बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन बचाव के लिए हम लोगों को पहले उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आजकल एक लोगों का सबसे कि गूगल पर डाला कि साहब ये हो गया वो हो गया, तो उस चीज़ को सब डॉक्टर बने हुए हैं गूगल डॉक्टर, तो उस चीज़ का भी एक विशेष ध्यान रखें। मरीजों को आजकल मोबाइल सबके पास हैं, जितने डॉक्टरों के पास नहीं उससे अच्छे मोबाइल मरीजों के पास हैं, तो वो कि साहब ये इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो एक अच्छे अस्पताल में या कहीं जाकर आप अपना इलाज लें, तुरंत उनसे संपर्क करें। आवश्यक जो भी अगर डॉक्टर समझेगा उचित होगा तो वो आपकी जांचें कराएगा, और उसको लगेगा तो हिसाब से उसको भर्ती कर इलाज करेगा। एक मेड कोड हमारे कोटा में डिजिटल हेल्थ के रूप में एक यहाँ के बहुत अच्छे के नाम से इसके संस्थापक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है लोगों के हेल्थ से संबंधित। आप जो भी लोग इससे मतलब मैं इससे जुड़ा हूँ पिछले 6 महीने से, तो इसमें लोग जो भी आप मरीज दूर बैठे बैठे अपना आसानी से इसमें प्राइमरी इलाज ले सकता है। यदि उसको किसी क्योंकि वहाँ से एक मरीज को छोटी सी बुखार या छोटे से खांसी के लिए भी चलकर आना पड़ता है, तो उसका बस का किराया, उसका आने जाने में उसको परेशानी, तो ये सब इस जो डिजिटल ऐप है इसके द्वारा उसको कई मतलब बेनिफिट मिल रहा है। उसका आर्थिक तो फ़ायदा मिल ही रहा है, साथ में उसको एक अच्छे डॉक्टर से उसको परामर्श वो ले सकता है। फिर यदि उसको उससे संबंधित यदि और कुछ तकलीफ हो तो वो डॉक्टर से पर्सनली जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक वो है जिसके लिए आप सब लोगों को अपना हेल्थ से संबंधित अपना रिकॉर्ड वो करना वो मेंटेन करना चाहिए। इसके बहुत अच्छा ये ऐप है, इसमें कई सारे शहर के डॉक्टर्स अपना योगदान दे रहे हैं केवल और केवल मरीजों के भलाई के लिए।